हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेरी वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गांधीनगर। अब जैसे कि आपको पता ही कि मैंने कॉलेज रिव्यूज़ के ऊपर एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है कि जिसके अंदर मैंने DAICIT, नेवा यूनिवर्सिटी, LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, PDU, VGEC जैसे कॉलेज कवर कर दिए हैं। और ये प्लेलिस्ट के अंदर ये वीडियो रहेगा GEC गांधीनगर के अंदर। तो जैसे कि हर एक वीडियोज़ में मैं कॉमन पॉइंट्स यहाँ पे कवर करता हूँ, जैसे कि ओवरव्यू उसका हो गया, कट ऑफ है, प्लेलिस्ट है, रिव्यूज़ है, और एट दी एंड मैं आपको बता देता हूँ कि क्या आपको इसमें एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं। तो ये सारे पॉइंट्स कवर करेंगे हम आज के वीडियो में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू से। तो यहाँ पे ओवरव्यू के ऊपर आऊँ, इससे पहले मेरे पास एक ही यहाँ पे आपके पास सजेशन रहेगा। देखिए, मैं आपको एक यहाँ पे हायरार्की क्रिएट करना चाहता हूँ। हायरार्की के लिए मैं पहले यहाँ पे टेक्स्ट बुक्स ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा GEC गांधीनगर, ओके। अब इसको यहाँ पे मैं फिर से एक बार कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ ऊपर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ VGEC। अब फिर से यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ LDCE। अब उसके ऊपर मैं यहाँ पे कोई भी कॉलेज ऐड नहीं करना चाहूँगा, मैं सिर्फ इतनी कॉलेज लेना चाहता हूँ। तो देखिए, अब यहाँ पे मैं कहना क्या चाहता हूँ कि सबसे पहले आप ट्राई कीजिए LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने की। अगर इसके अंदर एडमिशन मिलने के कोई चांस नहीं ना, तो फिर आप जाइए विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ। बट अगर इसमें भी कोई चांस नहीं है, तो फिर आप यहाँ पे आ सकते हो GEC गांधीनगर के अंदर। तो ये मेरी एक हायरार्की होगी, हायरार्की इन द सेंस कि आप पहले इसको प्रायोरिटी दें, सेकेंड नंबर पे इसको प्रायोरिटी दे, और थर्ड नंबर पे इसको प्रायोरिटी दे, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये मैंने सीधा यहाँ पे आंसर दे दिया कि आपको यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं। एडमिशन कब लेना चाहिए कि जब LD और VGEC में चांसेस नहीं है तब। अगर अदरवाइज आपको इसमें चांसेस है, तो आप पहले इसको कंसिडर कर सकते हो। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ओवरव्यू ऑफ द गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गांधीनगर। ये आती है सेक्टर नंबर 28 गांधीनगर के अंदर, एकदम लास्ट में आता है, मतलब लास्ट सेक्टर है 30। तो यहाँ पे 28 सेक्टर के अंदर आता है GEC गांधीनगर। ये आता है नियर एनिमन वैक्सीन इंस्टीट्यूट, और यहाँ पे आप GEC गांधीनगर का कैंपस बहुत बड़ा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। जिसके अंदर यहाँ पे आपको बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, EC इंजीनियरिंग, IT इंजीनियरिंग, ICT इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटेबुलरी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। तो ये सारी ब्रांच का मिला के कुल 720 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। अगर हम इसमें EWS कोटा की सीट्स इंक्लूड कर ले, तो सारी सीट्स का टोटल हो जाता है 901। और जितनी भी सीट्स है, वो हर एक सीट्स आती है ACPC के अंदर। यहाँ पे किसी भी सीट के ऊपर डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है, किसी भी सीट्स में आपको एडमिशन लेने के लिए ACPC की ही मदद लेनी पड़ेगी। आप डायरेक्टली यहाँ पे DAICIT, PDU की तरह एडमिशन नहीं ले सकते हो। फैसिलिटीज़ के अंदर आपको यहाँ पे बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल की फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। और फीस का जैसे सबको पता है कि 1500 रुपीज़ रहेगी बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए यहाँ पे कोई भी फीस रहने वाली नहीं है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कट ऑफ ऑफ द गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गांधीनगर। तो फिर इसके लिए सिर्फ आपको यहाँ पे सिविल, कंप्यूटर, IT, ये तीन ब्रांच रहती है कि जिसके अंदर आपको एडमिशन लेने के लिए कोई कट ऑफ रिक्वायर्ड होगा। अदरवाइज अगर आप दूसरी ब्रांच यहाँ पे कंसिडर कर रहे हो, तो फिर यहाँ पे ओपन के लिए ही यहाँ पे कोई भी एक कट ऑफ होगा, और वो भी बहुत ऊपर होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 20,000, 25,000, यहाँ पे आप देख सकते हो 26,000, यहाँ पे है 17,000, 25,000, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कंप्यूटर की बात करें, तो कंप्यूटर के यहाँ पे कट ऑफ क्लोज होता है 2,643 पे। SC के लिए यहाँ पे कट ऑफ क्लोज होता है 8,595 पे। ST के लिए यहाँ पे कट ऑफ क्लोज होता है 25 पे। ACBC के लिए यहाँ पे कट ऑफ क्लोज होता है 3,806 पे। और TFWS की बात करें, तो यहाँ पे कट ऑफ क्लोज होता है 1,910 के ऊपर। तो ये सारे मैंने कट ऑफ डिस्कस किए, और इसी तरह से यहाँ पे IT के लिए भी यहाँ पे कोई कट ऑफ होगा, बट इसके अलावा यहाँ पे कोई भी ब्रांच के लिए कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप ओपन टू एडमिशन है, ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे कोई भी मार्क के ऊपर एडमिशन मिल जाएगा। सिर्फ एक टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहेगी कि आपको यहाँ पे पास होना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे पास होंगे, तो फिर आपको GEC गांधीनगर के अंदर इजीली एडमिशन मिल जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज द रिव्यू, प्लेसमेंट एंड यस और नो। तो यस और नो तो मैंने पहले ही स्लाइड में आपको बता दिया कि क्या आपको एडमिशन कब लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए, ठीक है।
तो ये यहाँ पे देख सकते हो, इसकी मेन बिल्डिंग है एडमिशन बिल्डिंग जिसको बोलते हैं। कैंपस बहुत अच्छा है, ग्रीन भी बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा साइज है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे कैंपस देख सकते हो, साफ सुथरा कैंपस है और यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग ब्लॉक है, ठीक है। और वॉलीबॉल भी यहाँ पे आप देख सकते हो। तो नीचे यहाँ पे आप सारे अपडेट्स देख सकते हो, मिशन विजन ये सब कुछ आप चेक कर सकते हो, प्लेसमेंट है, स्टूडेंट्स कॉर्नर है, एडमिशन है। तो डायरेक्टली हम चले जाते हैं प्लेसमेंट के ऊपर। अब यहाँ पे प्लेसमेंट के अंदर हमें ढूंढना होगा स्टेटिस्टिक्स। तो यहाँ पे प्लेसमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन है, अपकमिंग एक्टिविटीज है, एक्टिविटीज है, फिर मेंबर्स है, और यहाँ पे हम जाते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स, जिसके अंदर हमें चेक करना है कंप्यूटर इंजीनियरिंग फॉर द ईयर 2021। और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं रिपोर्ट के ऊपर। तो ये रिपोर्ट आता है कि जिसके अंदर यहाँ पे नंबर ऑफ कंपनीज है, तो जिसमें वैकेंसी वेलॉक्स ई डेल्टा TCS कोंगा एंड ई इन्फोचिप्स, ठीक है। यहाँ पे है आपको डेजिग्नेशन कौन सा है, यहाँ पे पैकेज भी आपको देखने को मिल जाएगा। बट लुक एट दी पैकेज, इट्स समथिंग अराउंड 3.6, 3.12, देन 6.50, 3.36, देन 1.80 वाली कंपनी कौन सी है, 1. मैंने कहीं पर तो पढ़ा था, हाँ स्टरलाइट टेक्नोलॉजी। उसके अलावा यहाँ पे 2.10, तो यहाँ पे पैकेज आपको बहुत कम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स, इसमें गिनी चुनी कंपनीज आती है, इंटर्नशिप आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हम मैकेनिकल का देखें तो मैकेनिकल का यहाँ पे डेटा नहीं है रिपोर्ट। अगर हम इसके अलावा कौन सी कंपनी देखें तो यहाँ पे हम ले लेते हैं बायोमेडिकल 2021। तो यहाँ पे अगर हम इसके ऊपर देखें, यहाँ पे पैकेज ऑफर है 15,000, 18,000, 2,41,000। कंपनी का नाम कौन सा है, शिवानी एंटरप्राइज है, पी तेज है, रेड सेल्स है, अकाशा हॉस्पिटल है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे मेरा एक ही पॉइंट निकलता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही डिस्कशन कर लिया है, फर्स्ट ट्राई टू टेक एडमिशन इन द एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। आफ्टर दैन इफ यू आर नॉट एबल टू टेक एडमिशन इन द एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, देन यू शुड कंसिडर विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। अगर आपको यहाँ पे VGEC के अंदर भी एडमिशन नहीं मिलता है तो फिर आप यहाँ पे GEC गांधीनगर के एडमिशन अंदर ले सकते हो। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछोगे कि सर क्या आप GEC के सामने प्राइवेट कॉलेज को कंसीडर कर सकते कि नहीं, सिर्फ एक ही आंसर रहेगा कि देखिए फीस इज नॉट द बिगेस्ट कंसर्न, देन यू कैन गो विद द प्राइवेट। यानी कि आप एक साल की 1,00,000 एनुअल फीस दे सकते हो तो फिर आप प्राइवेट कॉलेज कंसिडर कर सकते हो। अदरवाइज आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड गो विद द GEC गांधीनगर, बिकॉज मैं काफ़ी सारे दूसरे वीडियोज में भी मैंने कवर किया है कि यहाँ पे मैटर क्या करता है। मैटर सिर्फ एक चीज़ ही करती है और वो है आपका यहाँ पे किस तरह से स्किल से डेवलप होता है वो। आप जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना ही अच्छा आपका पैकेज होगा। अब ऐसा नहीं कि GEC गांधीनगर में आप एडमिशन लोगे तो यहाँ पे आपकी 2-3 लाख की जॉब लगेगी। अगर आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ के बाहर निकलोगे तो फिर यहाँ पे ओपन मार्केट में ऑफ कैंपस में बहुत सारी कैंपस प्लेसमेंट होती है, ठीक है। So yeah, that's it for today's video. Thank you very much for watching this video. If you have any doubts, then feel free to ask me in the comment section. Thank you. Bye-bye.